मिर्जा खान है। मिर्जा खान, अगर मिर्जा से कहोगे तो भूत मारे जाओगे। हम जाने कहते मिर्जा। अब क्या गाड़ी मार रहा है? देखे मिर्जा खान, ये बताइए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं? माटो साहब, मैं आपसे बता रहा हूँ। अरे वो उर्दू पढ़ेगा अगर हम आपका पढ़ाई दे ले भाई गुरु जी, ये दुनिया में है नाम कह दो ले भाई गुरु जी। दुनिया में है नाम करा ले भाई गुरु जी। बेदार्य पढ़ाई तनी देते गुरु जे ये बताए मुझे खान कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं? उर्दू। हाँ, पढ़िए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अलेफ अलेफ बे ते से। चलिए आप बात करिए। ठीक है माता साहब। हे चपरासी। हाँ सरकार, ये बताइए सब बच्चों का नाम लिख गया? हाँ सबका नाम लिखेगा। तो सब बच्चों को बुला के प्रार्थना कराइए। हम बहुत पढ़ भाई गुरु जी। हाँ तो अपना नाम लिखाइए। हाँ हमारा नाम लिख लियो। बताइए हमारा लिख लियो। हमारा नाम लिख लियो गन्ना। हाँ गन्ना। अब आप नाम टन्ना। तो सीधे हमारा भाई लिख लियो। क्या लिख? हमारा नाम सीधे मन्ना लिख लियो। चलो ठीक है, तुम्हारा नाम मन्ना लिख गया। तो सब बच्चों को बुला के उनके प्रार्थना कराइए। ओ लड़के, चलो जाओ लड़के बिटिए। लड़के आपन आपन प्रार्थना करके आओ गुरु महाराज का हमें सुनाई दो कि देख कि जवान सिद्धान की अब पियाना है। अच्छा, लेकिन ये बताओ चमनलाल, क्या वेद का बात बताई थी कि वैसे ही? देखो भैया, जब उन गुरु महाराज के है जान परे वह बताई दे। अच्छा, हाँ अरे सीता राम पढ़ो सा बलारी के बड़ा मान छोटा बड़ा।
ये बताइए कि प्रार्थना हो गया। हाँ जी, सब बच्चे का स्कूल का फीस वसूल लो और उसके बाद खाना पीना की छुट्टी कर दो। लड़के और पहला लड़का कहाँ था? भैया ला फीस दो। क्या फीस बन चुका? हाँ, एक ही समय कितना फीस बन चुका? तार तार ज्यादा नहीं बना है, तार ज्यादा ज्यादा 46 रुपया बना है भैया। लाओ दूसरा नंबर बिटिया, यहाँ आओ पहला नंबर वाली। लाओ फीस ला फीस। फीस कितना हुआ? तार 43 रुपया। हेलो लाओ चेदरी हम रख दो। ए बिटिया खलपिट्टी पोस्ट में रहे हो? ऐसा है कि लाओ फीस दे अपन। फीस? हाँ ए हम तो फीस ना लेकर ना हुआ, हमारे अम्मा पापा कहीं जा बिटिया पढ़िया, सरकारी स्कूल है, अब तो दाल चावल पूरी मिलत दाढ़ी करो ना कर मेरा हूँ करवाऊ। तूने बताई दी सरकारी में यहाँ मिलत है, और ये हमारे मास्टर साहब स्कूल खुलाए ने प्राइवेट। तो मैंने प्राइवेट पहले कहे ना बता रहा रही रिया करते हो, हम साधारण मास्टर न जाने, हमरे गुस्सा जब आई जाए तो हम 20 सीटा लगाए थे नेहरा के। मैंने हम फीसिया ना लेकर आई थी। फीसिया ना लाई हो तो उधार हो ही, उधार ना चलत है। तार 55 रुपया। हाँ ठीक है, ले ले भैया 2 रुपया और आओ पीछे ले ली हो। तो 22 दे दे 22। हेलो हेलो लड़का नंबर तेहला ही हो ला फीस दे। क्या कह रहे हो? फीस दे यार, और क्या कहते हैं? अरे दोस्त का कह रहे हैं? अरे आप हमारे होरी बहाल जा तो का भाई समझ लियो। भैया बताओ किन लिए बुला? सब लड़के फीस दे देना, फीस जमा हुआ ला महीना पूर होएगा। फीस दियो जल्दी से, नहीं है फीस। हाँ अब तू का बीमारी पकड़ ले, पढ़ाई में है तो सबसे आगे घर 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 चले जाते, किताब पढ़ने पढ़ना खोला। अब अब तक का होएगा तू का? रुपया दियो रुपया दे दो ना, हम यहाँ से ढोली तक मारी थे लाठी लाठी। मास्टर साहब, मास्टर साहब आप सुना जाए। हाँ बताओ। लेकिन हमारे पास फीस तो नहीं है मास्टर साहब। नहीं है? हाँ हाँ। मास्टर बा निर्गुण तो हो लेकिन दुनिया वहाँ है, धन तजिया वहाँ है, धन तजिया वहाँ है। अरे साले तुमको बोलने को नहीं आता है? अरे सब काम खराब होएगा। क्या हुआ? सब लड़के फीस दे दी, अब यहाँ का यहाँ मुसलमान झाट जगह लेके आ रहा है, देते नहीं पीते आए। अरे सीधा बोलो, भूत मारेगा उल्टा सीधा बोलोगे वो हुआ दूर है, यहाँ सुनत नहीं है। ये बताइए मिर्जा खान ने फीस नहीं दे रहा? नहीं देते सरकार, हम का करें, हमें गुर्रात है। और ठीक है हम पूछते हैं भाई। ए बताइए मिर्जा खान। हाँ कहिए। नमस्कार। नमस्कार मिर्जा खान, ये बताइए कि सब बच्चों ने हमारे स्कूल का फीस जमा कर दिया, अच्छा लेकिन आप हमारे स्कूल का फीस क्यों नहीं दे रहे हैं? मास्टर साहब हाँ कहिए। कोई एक लड़का गरीब घर का जो है तो उसको मास्टर साहब नहीं पढ़ा सकते? देखिए मिर्जा खान पहले उठिए, देखे गुरु महाराज। हाँ गरीब होती गदही तब वो उनके ऊपर इतना बड़ा सल, वो ला दे दो चली जाती। हाँ हाँ सही। लेकिन मिर्जा खान ये बताइए कि ये स्कूल है,
देखो धर्मशाला तो है नहीं, नहीं तो कोई रात खाना की कोई भी आके यहाँ पे रह सकता है और खा के और करके चला जाए। ये स्कूल है, यहाँ पे अगर आपको पढ़ना है तो आपको गुरुदक्षिणा देना पड़ेगा। मास्टर साहब हमारे पास फीस तो नहीं है। फीस नहीं है? देखे मैं जा खड़ा कर, फीस नहीं है? मैं बहुत गरीब घर का लड़का हूँ मास्टर साहब। देखे सर हम कुछ सुधर चाहते हैं, आप कहीं से भी लाके फीस जमा कर। तो मास्टर साहब सुना जा, हेलो
मिर्जा खान उठिए, जो आप छोटे छोटे बच्चे की बात कर रहे हो सुनिए। ए छोटे छोटे बच्चे, अरे तीन फिसिया का हे मिर्जा, आर्य लिखाई तरी काहे मेरी जात। देखिए, अगर आप अपनी भलाई चाहते हो तो हमारे स्कूल का फीस जमा कर देंगे। मास्टर साहब सुना जाए तो फीस में लातन मोतन मारा तो क्या समझ नहीं हो। कहते हैं कि गरीबी कोई को नहीं होना चाहिए। आज गरीब, मैं एक गरीब घर के लड़का और हम गरीब ही हैं। आज स्कूल में देखो गरीबी में क्या होता है। गरीब घर में चोरी होता है, जबरे घर में नहीं होता है। ठीक है माता साहब सुना जाए। ए नन्हा भाई पे मर गए गुरु, गुरु जी अरे नन्हा भाई पे मर गए हमारा वही तो पापा महातरिया नहीं गुरु जी। लेकिन सुनिए, मैं तुझे उपाय जरूर से बता सकता हूँ जी। तो सुनिए मिर्जा खान, ठीक है ना, बताए जो चलो देखे मिर्जा खान सुनिए। तो अपने तन के कपड़ा और अपने जमा धम मिल जाती है Thank you.
आप अपने तन की कपड़ा बेच के हमारे स्कूल फिर जमा करिए। ए कार्यालय गुआतिया मा अरे हो है मलका है जा नहीं अरे डर दिया अरे पेर बाबू है जा वेद पढ़ना है तो अपने अंक के कपड़ा बेच कर और वेद पढ़ सकते हो। अगर हम अपने अंक के कपड़ा बेच कर अगर वेद नहीं पढ़ूंगा तो मैं गवार का गवार रह जाऊंगा। ठीक है मास्टर साहब। अरे खरीदने वाले अरे बलाओ सकुलिया आज भी अच्छा मेरे जा आज भी अच्छा मेरे जा अपने आग कई पसाग भैया भी अच्छा मेरे जा आप खरीदने वाले कोई व्यापारी आप बुलावा जाए मैं बैठ कर मैं बैठ पढ़ूंगा। ठीक है तुम्हारा कपड़ा चपरासी खरीद लेगा। सरकार देखिए मिर्जा खान के पास देने का फीस नहीं है और उनका कपड़ा लेकर अपना फीस जमा कर दीजिए। भैया क्या बात है तो कपड़ा भी अच्छा था दोस्त कपड़ा बेचता था भैया। मास्टर साहब स्कूल का फीस मांग रहे हैं। अच्छा अगर हमारे पास फीस नहीं है मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ हमारे फीस नहीं है तो मास्टर साहब कह रहे हैं कि अगर तुमको वेद पढ़ना है तो अपने अंक कपड़ा बेच कर और तुम वेद पढ़ सकते हो। देखिए मिर्जा खान अरे खरीदने वाले अरे हम ही माधव मिर्जा की बेचो मिर्जा अपने अंकिये कपड़ा बेचो We'll be right back.
खरीद ले, लाओ कई रुपए ले आओ। ठीक है भैया, आप जो खरीदे थो तो आप ले ले जाए। ठीक है लाओ। अरे अंगद कपड़ा, अरे निकार माधव मेरे जा, मेरे जा, अरे रुआ मेरे जा, रखतवा मोतिया ले जाए। मैं अपने अंक के पसाग में बैठ दिया और मात साहब मैं आपसे मैं स्कूल में रोज पढ़ने के लिए हम आऊंगा। ठीक है रुकिए गुरु महाराज, कपड़ा तो हम खरीद ली, बोला इनका फिसिया पूछो कितना रहेगा हमारे जितने रोम देखो। ये बताइए कि आपका फीस पूरा नहीं हुआ अभी तक। ये अंके जो कपड़ा बेच दिया इसे आपका फीस नहीं पूरा है। पाँच रुपया बाकी रहेगा। कहाँ जाइए रे, पाँच रुपया भी बाकी रहेगा। ठीक है देखिए, देखिए उसके लिए भी मैं एक उपाय बता रहा हूँ आपको। मैं बहुत गरीब घर के हूँ। देखिए ये गरीब हाथ जोड़ने से नहीं काम चलने वाला है। आपको स्कूल का फेस देना पड़ेगा, कहीं से मिला के दीजिए। लेकिन सुनिए मिर्जा खान। ठीक है गुरु जी, कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, और गुल बलिहारी आपने भेद। ठीक है सुनिए मिर्जा खान। माल बैठ जा, अरे तोरी मैया बहिया की मांगो मिल जा, ना करिया पीछे भी नगरिया बिच भेखतनी मांगो मिर्जा, नगरिया बिच भेखतनी मांगो मिर्जा।
नगरी में एक से एक दाता धर्म बैठे हुए हैं। तुम्हारे इसमें माँ बाप और भाई सब लोग बैठे हुए हैं। तुम्हारे माता तथा तुम्हारे बहन सब तुम्हारे दादी दादा सब कोई बैठे हुए हैं। जाकर नगरी में भीख मांग कर ला के हमारे स्कूल का फीस आप जमा कर दीजिए। और लाहे लगे खै मेरे जा कोई घरा महाराज कैसे मेरे जा मांगे नगरी मभे का तने कैसे मेरे जा गुरु साहब हमारे मास्टर कह रहे हैं कि जाके इस नगरी से भीख मांग कर और हमारे स्कूल का आज फीस जमा करो। मैं अपने गुरु कहते हैं कि बाप महतारी और गुरु बात कभी नहीं मिलना चाहिए। हेलो अरे मेरे जाका फिसिया अरे दैनो हमरे बाबूजी रुवे मेरे जा अरे धरती आकाशवा कर भीतनी रुवे मेरे जा मैं कहा का जो बड़ा लड़का है वो एक 11 रुपया दे रहा है 11 लाख लक्ष्मी जी के जेब में नमाज करे भोलेनाथ थोड़ा भरा रखे। अरे जैसे नमार है बाबू गंगा जी के पानिया गरीबिया नवा
जा रहा हो दुखी ना कहीं हाँ दान करे बेहारो हरे आपको नगरी में कोई फीस नहीं दिया,
नहीं मिला सरकार। देखिए मिर्जा खान माफ कर दी जाए, मैं बहुत गरीब घर का लड़का हूँ। देखिए माफी तो कभी नहीं हो सकता है क्योंकि आपको फिर देना पड़ेगा। तो सुने मिर्जा, तो जब तक न दे हो मिर्जा कॉलेज में कितने बच्चे पढ़ते हैं? हमारे कॉलेज में 360 बच्चे पढ़ते हैं। क्या 360 बच्चे पढ़ते हैं? और कहीं एक गरीब गुरबा का बच्चा पढ़ सका है तो नाम लिखा दिया, उसके पास नहीं था दाम है तो क्या नहीं पढ़ा सकते हो? नहीं पढ़ा सकता हूँ। क्यों? कि ये कोई रात आश्रम नहीं है कि कोई भी आके रहेगा उसके बाद चला जाएगा। अगर हम स्कूल खोले हो तो हमारे पास भी कर्मचारी हैं, हमको उनको भी तनख्वाह देना पड़ता है। वो कहाँ से ला के हमको देंगे बताइए आप? ठीक है जी, आपकी बात का मानता करता हूँ, लेकिन इस समय ये बताइए इस समय उसका कितना फीस बन चुका? इस समय उसका 151 रुपया हो चुका है। 151 रुपया? लेकिन ठीक है मास्टर साहब, और ये फीस लीजिए। आज के वक्त से कोड़ा उसके ऊपर मत चलाना चाहिए। देखे राजन, ये खाली फीस देने से काम आपका नहीं चलने वाला है। ये बात क्योंकि वो एक अनाथ बच्चा है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, और क्या, इसलिए उसका जिम्मेदारी भी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, जो उसके खाना कपड़ा किताब कॉपी कलम जो भी लगेगा वो पूरा खर्चा आपको देना पड़ेगा। आप दे सकते हो? ठीक है मास्टर साहब,
इसलिए कि छतरी का खानदान हूँ और छतरी का बच्चा हूँ। जितना खर्चा लगेगा अपने जेब से अपने हवेली से उसका मैं पूरा करूंगा। ठीक है, आप हमारे दिया है इसलिए मेजा खाना पे पड़ सकता है। चपरासी देखो ऐसा है कि वो राखे हो छगड़ी चार पाठ हो चरावे परितों का। देखिए यहाँ छगड़ी बकरी का नहीं बात हो रहा है, तो कहा था कि छगड़ी चल रही है, उनको खर्चा देकर देखे उल्टा उनकी छगड़ी चल रही है। वाह भाई, देखे आप मिर्जा खान को हम बुला रहे हैं और आपका जिम्मेदारी से पड़ेगा। मिर्जा खान खान, देखिए तुम्हारे स्कूल का फीस जमा हो चुका है और आप रोज पढ़ने के लिए स्कूल में हमारे आ सकते हो। ये बताओ मास्टर साहब कि हमारा फीस क्या जमा किया है? तुम्हारा फीस राजा परसोत्तम ने जमा किया है। हाँ, राजा परसोत्तम ने हमारा गरीबी देखकर और अपना फीस हमारा जमा कर दिया। ठीक है मास्टर साहब, हमारा फीस जमा हो गया तो अब हम खाने पीने को हमों का छुट्टी दे। लेकिन मिर्जा खान, हाँ मेरा